दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये जो इलाका है रिठाला, मंगोलपुरी और मुंडका, किगारी, सुल्तानपुर, ये सब लोकसभा क्षेत्र के अंतर आता है। और ये जो लोकसभा क्षेत्र है ये है हंसराज हंस का। यहाँ से अभी वो सिटिंग एमपी हैं, और हालांकि अब की बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है और योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और साथ ही में कांग्रेस ने अब की बार अपना उम्मीदवार उतारा है उदित राज को, जो कि 2014 में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े थे। अब हम लोग मंगोलपुरी की कपड़ा मार्केट है, ये बहुत बड़ी कपड़ा मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी किफ़ायती दामों में कपड़ा मिल जाता है, सूट साड़ी किसी भी चीज़ के लिए सिलवाने के लिए। तो लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर। पूछते हैं इनसे क्या विकास हुआ है, सांसद को कितनी बार देखा है और क्या बदलाव हुआ है पिछले 10 साल में इस मार्केट का, कुछ पूछते हैं। जानते हैं आप सांसद को देखा है आपने? सांसद नहीं, सांसद को नहीं देखा है। बीजेपी के सांसद को नहीं देखा? हंसराज हंस नहीं जी, उसको नहीं देखा अभी, आज तक नहीं देखा। विकास वगैरह कुछ हुआ है यहाँ पे? कुछ नहीं, विकास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे। तो बीजेपी का कोई आदमी कहीं आज तक दिखा ही नहीं। क्या लग रहा है, अब जीतेगी बीजेपी फिर यहाँ से आपकी बात? बीजेपी तो जीतेगी खैर, लेकिन ये है कि काम हम तो किया नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम कैसा है, खुश है उनके काम से? वो तो खुश है, उसके केंद्र में तो सही है। हाँ, वो तो ठीक है, केंद्र में तो फिर भी ठीक है। यहाँ पे तो डेवलपमेंट कुछ हुआ ही नहीं है? डेवलपमेंट तो नहीं है, डेवलपमेंट की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। क्या दिक्कत परेशानी है अभी यहाँ पे? दिक्कत हर चीज की, गलियाँ रोड सब ऐसे ही है जैसे पहले थे वैसे अब भी है। लाइटें दुनिया भर की, चोरी चमारी, जेब कतरे, यही सब ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्या ख्याल है सरकार के काम को लेकर? मैं क्या बता रहा हूँ, बस फ्री जा रही है, 50,000 भी एक औरत जा रही है फ्री बस, 25,000 भी जा रही है फ्री औरत, ये काम धंधा है ही नहीं किसी का। तुम्हारे लिए तो फ्री करा ही रखा है, बिजली फ्री है, क्या बात करो। देखो वोट देना चाहिए क्योंकि जायज हो, जीतने वाला हो उसको वोट दो, बेकार वोट क्यों बेकार करते हो। यहाँ के जो सांसद है हंसराज हंस, कैसा काम था उनका? हंसराज नहीं था, राव वो था। हाँ हंसराज था बीजेपी का, बाकी देखो उनके बारे में तो मुझे नहीं पता है, बाकी इतना पता है कि विकास की जगह वोट दो बस। मैं विकास हुआ है यहाँ पे? हाँ यहाँ तो विकास कांग्रेस का ही था पहले, तो अभी तक कुछ भी विकास नहीं है। बीजेपी के शासन में नहीं है विकास? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी आई कहाँ यहाँ पे बीजेपी? अच्छा इधर आइए जरा, ये हंसराज हंस का क्षेत्र पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पर कभी आए नहीं है वो, कभी नहीं देखा, कभी नहीं आया यहाँ पर, कभी देखा ही नहीं है। क्या वजह है, क्यों नहीं आए? वजह तो वही बताएंगे जीतने के बाद, तो जीतने के लिए आए थे, वोट मांगने के लिए आए, उसके बाद कहाँ आए हैं? अब टिकट कट गया है लेकिन अब की बार उनका, तो क्या बात, अब दूसरे जो आए हो वो कर दे इस बार। अच्छा हाँ जी, आंटी जी क्या बोल रही हैं? मैं कह रही हूँ ना हमारा मीटर लगा हुआ, ना हमारे राशन कार्ड बना हुआ, वोट तो लोग वाक लेने आ जाते हैं। वोटर आईडी कार्ड बना? हाँ जी सब कुछ है। जाएंगे मतलब वोट डालने? हाँ नहीं, हम क्यों जाएंगे, जो चीज हमें नहीं हुई तो हम आगे क्यों जाएंगे, बहिष्कार करेंगे? हाँ जी हाँ जी, जो चीज हमें नहीं मिल रही है तो आगे जाके हम क्यों करें, ये चीज बताओ। सांसद है यहाँ पे सिटिंग सांसद हंसराज हंस, जानती हैं कभी? नहीं। तो क्या दिक्कत परेशानी अभी आपको आ रही है? हमारा तो मीटर भी नहीं लग रहा, और दिक्कत जी हमारा राशन कार्ड नहीं है, हमारी शादी को 14-15 साल हो गए, अभी तक हमारा कोई राशन कार्ड नहीं बनना। कितने साल से यहाँ पे रह रही है? हम हो गए 14, दिल्ली की पैदाइश है, दिल्ली में शादी हुई है हमारी। हाँ जी, मोदी के काम से खुश है? नहीं कोई खुश नहीं, मोदी कुछ ही नहीं कर रहा, तो काहे का खुश है हम बताओ, ये बताओ ना केजरीवाल कुछ कर रहा ना मोदी कुछ कर रहा, ये बताओ ना। काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, सड़के नाली कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी। पानी कैसा आ रहा है? पानी तो सही आ रहा है। हाँ जी, तो क्या करेंगे पता है ऐसी समस्या में? क्या मैं पता चाहिए, बस राशन कार्ड बन जाए हमारा, वही बहुत है बस, जी बताओ। आपने कोशिश की बनवाने? सिलेंडर मिले तो वो भी नहीं मिले हमें तो। हाँ कहाँ कोशिश की बनवाने की? बहुत कोशिश करी, आज कम से कम 8 साल हो गई है अप्लाई करते हुए, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं आ रही, कहते इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी आएगी।
चलिए ठीक है, 100 रुपए की चीज 250 में देते हैं। नो, कुछ नहीं बोल, 100 रुपए की 250 में देते हैं ये लोग। ये लोग इधर आइए भैया, क्या लग रहा है फिर प्रधान, इतनी समस्या आपने बता दी कि आपने हंसराज हंस को नहीं देखा, अब की बार योगेंद्र चंदोलिया को मिला है, तो क्या लग रहा है बीजेपी आएगी यहाँ पर? बीजेपी अगर आती है तो उनको करना चाहिए ना, जो उन्होंने नहीं करा उनको करना चाहिए फिर, क्योंकि जोर तो बीजेपी का ही है, ये सबको पता है, उन्होंने नहीं करा उनको करना चाहिए ना, क्योंकि जो विकास जो पहले हुआ ना राजकुमार चौहान के टाइम पर हुआ, उसके अलावा कोई भी नहीं हुआ 15 साल से, कोई भी विकास कांग्रेस से ही विकास हुआ है, जब MLA थे श्री राजकुमार चौहान जी, उसके बाद कोई भी विकास नहीं हुआ, कुछ भी देख लो आप। अभी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है उदित राज को, तो क्या लगता है दोनों में आपस में टक्कर है, कांग्रेस को यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा? होगी, लेकिन जो थे ना पहले उदित राज जी भी पहले जीते थे बीजेपी की तरफ से, तब भी उन्होंने कुछ हल्का फुल्का करा था, 40% करता था, लेकिन जितना करना चाहिए उतना किया नहीं था, ठीक है। जो यहाँ के हमारे विधायक जी थे ना श्री राजकुमार चौहान जी, उन्होंने बहुत विकास करा था इंटरनेशनल लेवल पर, स्विमिंग पूल एवरी चीज, ये आपने देखा होगा, आईटीआई बनवा दिया, उनके टाइम के बाद कोई भी काम नहीं हुआ है, सब आए वोट लेके चले गए हैं, उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि वो थे पहले श्री राजकुमार चौहान जी, अगर उनके जैसा कोई बंदा उतरता है तब तो हो सकता है कुछ मंगोलपुरी का विकास, नहीं तो फिर भूल जाओ। क्या आए दिन पार्क में ग्रिल खोल ले जाते हैं, चोरी चकारी दुनिया भर की होती है, कोई सुनवाई नहीं, आते वोट लेके जीत गए और चले जाते हैं, फिर 5 साल के बाद पता लगता है कि हाँ ये थे। अच्छा, 5 साल के बाद पता लगता है। हाँ जी, अब कौन आया चुनावी प्रचार के दौरान, कोई आया है यहाँ पे वोट मांगने के लिए? अभी तक तो कोई भी नहीं आया, लेकिन ये है कि बीजेपी की हो रही है अभी, जिनको चंदोलिया जी की, केजरीवाल की पार्टी को सपोर्ट करते हैं यहाँ के लोग जी? पता नहीं जी, करने वाले करते होंगे। हाँ जी, क्या सुविधाएं अभी आपको मिल रही है? सुविधाएं क्या मिलनी चाहिए उनकी तरफ से, जो थी वो है नहीं अब, मतलब थोड़ा एग्जांपल दीजिए, जो थी वो अब नहीं है, ऐसा क्या? हर कोई बेरोजगार है, काम है ही कहाँ किसी के पास, वो तो कहते काम देंगे, कहाँ है काम, किसी के पास नहीं है, जिन पर जो काम था वो खुद और घर पर बैठ गए हैं, महंगाई इतनी है कहाँ से बंदा करेगा। मोदी के काम से खुश नहीं है क्या? मैडम काम जो करेगा उसके काम से खुश होंगे ना, मोदी तो विकास के नाम पे वोट डालने जाएंगे ना, पूरे हाँ पूरे विकास के नाम पे होगा, पूरे विकास के नाम पे ही होगा। अब जैसे अंसर एजेंसी थे, अब दूसरे या चंदोलिया जी आएंगे या उदित राज जी आते हैं, अब जो काम करेगा अगर कोई जीतता भी है तो उनको काम करना चाहिए ना, कि नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा वही आए यहाँ पर, मतलब 5 साल वही होते फिर 5 साल चेंज हो जाते हैं, जब काम नहीं करेंगे तो पब्लिक को तो पता ही है कि उनको वोट देनी नहीं है, सिंपल यही है। ये बताइए मोदी के काम से खुश है? नहीं। क्यों नहीं है खुश? आम आदमी पार्टी के हूँ, आम आदमी पार्टी के तो है, मोदी के काम से क्यों खुश नहीं है, क्या कर दिया ऐसा? काम ही नहीं है, देख लो रोजगार सारे खाली बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे रहते हैं पूरे पूरे दिन, हम जैसे भी खाली बैठे रहते हैं, मगर अब तो सरकार मिली जुली सरकार आ रही है कांग्रेस की और इसकी आम आदमी पार्टी की, तो हम तो आम आदमी पार्टी को ही देखने पे। हाँ जी, हमारा शुरू से उसी ने करा है, बस फ्री दिए, सब चीज़ फ्री दिया हमें, ज़्यादातर अच्छा काम किया उन्होंने, अब बंद है हमारे केजरीवाल साहब, हो सके जल्दी बाहर आ जाएंगे। हाँ जी, चलिए देखो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि अब की बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, पहली बार, 3 पर कांग्रेस है, 4 पर आम आदमी पार्टी है। हम चलते हैं थोड़ा अंदर और कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, आंटी से पूछते हैं, यहाँ पे आंटियाँ खड़ी हुई हैं, ये देखिए आंटी जी, यहीं रहती हैं आप? नहीं बेटे, मैं तो दूर से आई हूँ। कहाँ से आई हैं आप? मैं अपने यमुना बिहार से। नहीं, यमुना बार कृष्णा नगर से आई हैं, भाई अगल बगल ही पड़ता है, वहाँ पे गौतम गंभीर जी हैं सांसद जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कैसा काम है उनका वहाँ? अच्छा काम है, इस्तीफा दे दिया खैर अब तो। नहीं, काम तो अच्छा था। ठीक है, अंदर चलते हैं। हाँ जी, यहीं रहते। यहीं कहाँ? मंगलपुरी बी ब्लॉक। कैसा काम है सांसद का यहाँ पे? सांसद का मैडम क्या हो रहा है, बिल्कुल बेकार काम कर रहे इधर मैडम। क्या बेकार काम? बेकार, कोई पार्क में बच्चों के झूले वूले भी लगे हुए थे, वो सारे हटवा दिए हैं, बच्चे घूमते रहते इधर से उधर, पहले थोड़ा बहुत वो थे ना झूले के भविष्य से, बच्चे कई बार उठ भी गए यहाँ से। हाँ, और हर अपने लिए अपने घर मकान बनाते मैडम, यहाँ किसके लिए क्या कर रहे उन? हाँ जी मैडम, हमारे को तो इस समय कांग्रेस ही बंदा सही लग रहा है जी। उदित राज? हाँ जी, ये बंदा सही है, काम करने वाला है, दे रहा है टक्कर, दे रहा है, बहुत पक्की टक्कर है इसकी मैडम, इससे बढ़िया कोई आदमी भी नहीं है, सही बात है।
बहुत ओके आदमी है हमारे लिए। तुम नारी तो मोदी के काम से खुश है? हाँ उससे भी खुश है मैडम। हाँ उससे भी खुश है मैडम। क्या काम करा ऐसा मोदी ने आपके लिए? मैडम मोदी ने क्या करा है, पहले बड़े बड़े दूसरे नेता आते थे, बम फूट जाते थे, जब से ये आया है ऐसा कुछ नहीं हो रहा जब से दिल्ली के अंदर। ये अंदर का डर बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं सच्चाई है मैडम जी। हाँ जी मैडम जी, क्या सोचते हैं मोदी के बारे में, क्या ख्याल है आपका? अच्छा है जी, बढ़िया है जी, बढ़िया ख्याल है जी। अच्छा क्या काम करा है ऐसा मोदी ने? अच्छे प्रधानमंत्री है जी, देश में नाम रोशन करा, इससे बढ़िया क्या बात है। बनेंगे अब तीसरी बार? बिल्कुल बनेंगे जी। बनेंगे, क्या विकास हुआ है? क्यों बनेंगे प्रधानमंत्री, ऐसा क्या विकास कर दिया मोदी? ये काम करे हैं, देश का नाम रोशन करा है। कोई दो तीन काम बताइए मुझे, क्या विकास? राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवाया। तो राम के आधार पे वोट देंगे आप जाके? बिल्कुल देंगे जी, मंदिर के नाम पे वोट देंगे, मंदिर के नाम पे भी देंगे, बिल्कुल पक्का पक्का जी, पक्का देंगे। रोजगार भी दिया है, युवा शक्ति कैंप भी चलाया था 2.0 वाला, जिसमें हम स्टूडेंट को कंप्यूटर वगैरह और ये फील्ड टेक्नीशियन वाला काम सिखाया था, और जॉब्स के लिए भी हमारे को बताया था उन्होंने, तो उन्होंने रोजगार के लिए भी हमारे को कराया, ऊपर से राम मंदिर भी मंगवाया, और हिंदू धर्म को भी सपोर्ट करते हैं, बाकी और लोगों की तरह नहीं है, जो आपको पता आप समझ जाओ, लोग समझदार होते हैं, फिर और लोग ने क्या करा है? और लोग क्या, केजरीवाल को देख लो आप, अब हाँ जेल में, अब उन्होंने अब क्या कर दिया, शुरू में हमारे साथ में ये झाड़ू लगाई और कह दिया कि देश का विकास करेंगे, स्टडी पे स्टडी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन और कुछ नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन में उन्होंने ठेके खुलवा दिए, जिसमें और लोगों के घर बर्बाद हुए थे। रोटी मत खाओ, दारू पियो, सो जाओ। क्या? रोटी मत खाओ, दारू पियो, सो जाओ। अच्छा मंगोलपुरी की बात करें तो कुछ विकास हुआ है यहाँ पे, यही रहते हैं आप? नहीं मैं तो अवंतिका में रहता हूँ, पहले यही रहता था। मंगोलपुरी में तो बहुत विकास करा गया, अब क्या हुआ है? जैसे कैमरे लगा दिए, लाइट्स वगैरह लगवा दी, बिजली की समस्या हो गई, और ये मार्केट का बड़ा नाम ऊंचा नाम हो गया, अब लोगों ने उठा दी मार्केट, अब इसी वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है। अब यहाँ पे गर्मी में, गर्मी का फिलहाल का टाइम है तो ग्राहक वगैरह इतने आते नहीं है। अब क्या विकास हुआ है यहाँ पे, सुविधाएं हैं मंगोलपुरी में? सुविधा है मैडम, सब सुविधाएं, क्यों नहीं है सुविधा, अच्छी सुविधा, साफ सफाई, बिजली, पानी, सफाई भी है, बिजली भी है, बिजली भी आती है, अच्छी आती है। अच्छा पहले बिजली कहाँ आती थी, पहले दो दो तीन तीन घंटे कट लग जाते थे, अब तो नहीं लगते कट। अच्छा। अब तो बाई चांस कभी चले जाए तो चले जाए, नहीं तो नहीं जाती है। क्या ख्याल है सरकार के काम को लेकर? बताइए तो, बता तो दी आपसे, बता आप बताइए। मैं क्या बताऊँ, बताओ ये बताइए। देख लो जी ऑटो, अब ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा कोई गिनती नहीं है, इतने ही रिक्शे निकाल दिए केजरीवाल ने, जिसका कोई हाईवे पे जा रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर पर जा रहे हैं, कोई मैप रूट तो होना चाहिए ना इनका, रिक्शों का, ऑटो के पास करवाओ, ये करो वो करो, चलान हो जाएगा, नो एंट्री में खड़ा है, रैपिडो चला दिया जी, उसमें पीली प्लेट नहीं है, प्राइवेट है, तो ऑटो भाई प्राइवेट कर देना चाहिए, कि भाई जो मर्जी ढो सवारी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहाँ जाएगा ऑटो वाला? कब से रह रहे हैं अंकल यहाँ पे? काफ़ी दिन हो गए, दिन साल महीने क्या हो गए, करीब 20 साल हो गए। 20 साल हो गए जी। क्या कुछ बदलाव आया या नहीं आया? नहीं बदलाव क्या है, वही है, कोई खास बात नहीं। देखिए बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पे हंसराज हंस, तो जानते हैं उनको, देखा है कभी आते हुए? हाँ देखा है। क्या कर रहे हैं अभी? तो कुछ नहीं कर रहे, बाकी देखो आगे क्या करते हैं। उनके कार्यकाल को 5 साल हो गए हैं, क्या लगता है कि कुछ विकास उन्होंने करा है या नहीं करा? विकास तो किया है। क्या क्या काम? कई काम किए, जैसे रोडे फोडे हैं, स्कूल वगैरह हैं, और भी कई काम होते हैं, और काम किए। तो मतलब बीजेपी के काम से खुश हैं आप? हाँ जी लोग खुश हैं, खुश हैं जी जी। क्या लगता है कि अब की बार प्रधानमंत्री, फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? बीजेपी बनेंगे जी। मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो अब की बार प्रधानमंत्री? वो अच्छे काम, कोई भी अच्छे काम करेगा, मोदी जी अच्छे काम कर रहे जी, हाँ कॉटन है, मोदी जी जो अच्छे काम कर रहे हैं ना, तो लोगों को सब पता है मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लोग कुछ भी कुछ भी कर लें, अगर मोदी जी ही आएंगे जी। कुछ काम ऐसा मोदी जी ने किया? जनता सब मोदी जी को ही पुकार रही है। अच्छा। हाँ जी, अब कुछ तो अच्छा किया है ना उनने, जब ही तो जनता मोदी जी की साइड में। राहुल गांधी हैं टक्कर में? नहीं, राहुल गांधी नंबर में भी नहीं है। केजरीवाल? केजरीवाल भी नहीं है, केजरीवाल भी इन साल चले जाएंगे। अभी तो जेल में है लेकिन? अब जेल में है, कुछ बात होगी तब जेल में है वो, ठीक है, अगर बाहर भी आ जाएंगे फिर भी वो जीतेंगे नहीं, हारेंगे ही। अच्छा चल रहा है,
मोदी सरकार की ले रहे। अच्छा, हंसराज हंस ने काम किया है यहाँ पे? काम से करो जी, हमें मोदी से मतलब है जी, हमें अरे तो क्षेत्र का विकास थोड़ी ना करने करने, हमें मोदी का देश का विकास चाहिए। हमें देश का विकास होगा तो क्षेत्र का विकास अपने आप होगा। हाँ जी, असल ये विकास क्या, आपने बात छेड़ दिया, तो ये बताइए क्या हुआ इलाके में विकास? कुछ कुछ हो रहा है जी, आपके सामने डेवलपमेंट आज सब दुनिया सब इस फोन के ऊपर चल रही है। अच्छा, हाँ आज कैशलेस हो रहा है हिंदुस्तान, ये तो आपको पता है कैशलेस हो रहा है हिंदुस्तान आज। हाँ, तो जो भी चल रहा है इस फोन से सब कुछ चल रहा है। भी तो कितने हो रहे हैं अब फ्रॉड हो, देखो जी जो ईमानदार हो चोरी भी पैदा होंगे, सभी होते हैं इसमें, ऐसी बात है नहीं। हाँ, क्या लग रहा है मोदी बनेंगे अब की बार तीसरी बार? हाँ, 400 पार अब की बार मोदी सरकार, 400 पार। ये बताइए टक्कर में राहुल गांधी है? कुछ नहीं है जी, कांग्रेस तो अब दिल्ली को क्या हाल है, जो दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष वो भी रिजाइन दे दी है। तो आप कांग्रेस क्या, राजकुमार चौहान जी थे जो 29 साल से कांग्रेस के वो थे मेंबरशिप में, ठीक है, आगे पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं वो, अभी तक उनकी देन थी जो यहाँ पे काम करवाया, अब वो भी इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस से, वो अब बीजेपी में गए हैं, ठीक है। और जो सरदार जी का नाम क्या है, उनका नाम याद नहीं है, लवली जी भी 19 साल थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे चुका है कांग्रेस से, उनकी ग्रुप जा रहे हैं कांग्रेस छोड़ छोड़ के। इंडिया गठबंधन भी बिल्कुल अलग सा दिख रहा है, टूट गया है। गठबंधन क्या है, जो काम दिखलाया है, जो सरकार है सरकार के पीछे चलता सब कुछ, जैसे मोदी जी के पीछे चल रहा है सारा राजनीति, तो कार्यकर्ता है कोई ढंग का नहीं, किसको बोलने ही नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना, जो चीज है तो बंदर लेके तो चलेंगे, गरीबों की मदद कौन करेगा। राहुल गांधी है पीएम उम्मीदवार के तौर पर? कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है जी, कोई नहीं, मोदी सरकार है, मोदी आएंगे जी। बस मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है, गरीबों का थोड़ा ध्यान रखना भाई, रेडी पटरी वालों को मत उतार देना कम से कम, क्यों हम उनके पीछे बैठे, कभी वो भाई सफाया करवा दे तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ना कोई नौकरी वाले हम ना कोई पढ़े लिखे इतने, इसलिए बस मोदी सरकार से एक निवेदन करेंगे, गरीब लोग के फुटपाथ और रेडी ना उठाए। ये बताइए मंगोलपुरी में क्या विकास हुआ है? विकास सब कुछ हो रहा है, सारी जगह पार्क सुविधा मिल रही है, हमारे पास में बस डिपो है, मेट्रो के सामने नया निकाल रही है, हर चीज की सुविधा है। दिल्ली में मैं बहुत समय से अभी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मुझे ना हर जगह ये पानी की समस्या बड़ी पता लग रही है। पानी की समस्या तो ये इतनी है कि पूछो मत, कि पानी फ्री देने से कोई मतलब नहीं है, कि केजरीवाल ने पानी फ्री दे दिया, पानी साफ भी तो आना चाहिए, पानी की लाइन तो दे दी उसने, जाए मरते तक गंदा पानी कोई पियेंगे हम? जो पहले पानी आता था मोटर चलाते के साथ साफ पानी आता, जबकि उस टाइम पे आर ओ था क्या कुछ था, आज से 4-5 साल पहले, ये तो अब चला 2 साल से आर ओ, उससे पहले भी तो सरकार थी, जब भी तो मीठा पानी आता था, क्यों नहीं आ रहा? ये कारण है जी। ये बताइए भैया क्या ख्याल है प्रधानमंत्री के बारे में, बड़ा पीछे से बोल रहे थे आप। प्रधानमंत्री मोदी आने चाहिए, उन्होंने सब कुछ विकास कराया। क्या करा है, जरा 2-3 काम मुझे फटाफट से गिनवा दो। हिंदुस्तान में जो मशहूर है सब में आगे उन्हीं का चर्चा है, बाहर विदेशों में जाके वो जितनी जो कर रहे हैं नोटबंदी करिए, वो सही करिए, राजनीति उनको सब पता है मैडम, जो करता पॉलिटिक्स खेलता है जो उनको सब पता है, वो किस तरीके से राजनीति करा, किस कारण करी है उन्होंने। राहुल गांधी नहीं है क्या टक्कर? राहुल गांधी नहीं है मैडम, ये कांग्रेस और आम आदमी गठबंधन बना रही है, क्यों बना रही है ये आपको ही पता है, ये मिली जुली सरकार बनाएगी इसलिए तो बनाएंगे, ये देखा मोदी को हम पीछे हटा के हम इस सीट पे आगे पहुंच जाए। हाँ, बीजेपी के यहाँ से सांसद है हंस राजन, सबके बाद उनका टिकट ही कट गया जाए जी, यहाँ पर उदित राज कांग्रेस के उम्मीदवार है। अच्छा, और यहाँ बीजेपी के जो आएंगे ना वो है हंसराज हंस, हंसराज हंस सिटिंग है, और अब की बार उनका टिकट कट गया है, योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया है, उनकी जगह उनको टिकट मिलेगा, उनसे पहले विधानसभा राजकुमार चौहान जी उनको मिलनी चाहिए थी वो टिकट, तो उनके कारण इनको दी गई है, जो भी आपने चंद्रवाल क्या नाम बताया उनको मिली है ये टिकट, राजकुमार चौहान भी ले सकते थे। शराब डबल कर दी, जो क्वार्टर 125 रुपए का आता था 125 में पूरा अद्धा मिल रहा था उस टाइम पे, किंग फिशर की बोतल 130 रुपए की है तो 130 में दो बोतल मिल रही, 75 रुपए की एक बियर मिल रही, तो क्या क्या फायदा हुआ, पीने वालों को फायदा हुआ, बाहर के जो लोग टैक्स भर रहे थे उनको फायदा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, दारू घोटाला कर करके घर में लड़ाई करवा दी, लुगाई कर रोज सर फूट रहे, कोई हॉस्पिटलों में कोई रोडों पे, क्या कहानी है इससे ज्यादा। मंगोलपुरी में इस वक्त है, हमने ऐसी बातचीत की कतरन मार्केट, मंगोलपुरी की कतरन मार्केट में सारे हम इसको वोट देंगे, हमारा कमनम का फूल है, यही खिलना चाहिए, हर बार जैसे ये खिलता है वैसे ये खिलेगा, अब की बार भी झाड़ू उड़ू कांग्रेस कहीं दूर तक नहीं है जी, यहाँ पर आएगी तो बीजेपी आएगी थी पूरी बहुमत से। हम
लोग बातचीत कर रहे थे ना अंदर जब, तो ये इतनी देर में इन्होंने कमल का फूल जो है वो तैयार कर दिया। लीजिए आप ही लीजिए। हाँ जी, इसके बारे में हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, यही खिलना चाहिए हमेशा। इन्होंने बहुत विकास करा है, ये सारे है जितनी भी पहले रह चुकी पार्टी है सब आपको पता सब घोटाला करके है। ठीक है, मोदी सरकार ही आना चाहिए इस बार। मंगोलपुरी की कतरन मार्केट में हम लोग मौजूद थे, जहाँ से अभी जो सिटिंग एमपी हैं वो हैं हंस राज हंस। और हालांकि बीजेपी ने उनका टिकट अब की बार काट लिया है और योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया है। साथ ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है उदित राज को, जो कि बीजेपी की तरफ से चुनाव जो है वो लड़ चुके हैं। मंगोलपुरी की कतरन मार्केट है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मार्केट है। यहाँ पे आपको अलग अलग कलरफुल कपड़े दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे इतने सुंदर से इतने सारे, यहाँ पे एक्चुअल में बहुत किफ़ायती दामों में आपको कपड़े मिल जाते हैं। तो आज इन्हीं लोगों से हमने बातचीत करी है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या माहौल है, किसकी लहर है, विकास कैसा हुआ है। मिला जुला हमें रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला है, किसी को केजरीवाल का काम पसंद है, किसी को कांग्रेस का काम पसंद है, किसी को बीजेपी का काम पसंद है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।